मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था। और क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? छोड़िए इस बात को, क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ दो औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है, एक काले कारनामे और काली करतूते मैं बोल नहीं सकती हूँ एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर। आपने पूरा परिवार याद दिलाया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे, तो समझ में आता कि दायित्व जो है सरकार का उसी तरह से रखा जा रहा है। चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, झूठ झूठ ही रहता है। आपकी आवाज नहीं जा रही सुप्रिया जी, रुक जाइए। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा महिलाओं की अस्मिता को लेकर संदेश खाली है। आज तक मैं चुनौती दे रहा हूं, एक आप ट्वीट दिखा दीजिए राहुल गांधी का, एक विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना तो लोग ढूंढेंगे, तो नामो निशान मिट जाएगा। बैंगन 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 दो आपके। सुप्रिया श्रीनेत डिबेट में अपने अंदाज के लिए जाने जाती है, कुछ लोग तो उन्हें गाली वाली भाई भी बोलते हैं। उनका जब सामना सुधांशु त्रिवेदी से होता है तो सुधांशु त्रिवेदी इनको तर्कों के आधार पर जवाब देते हैं, लेकिन वहीं जब गौरव भाटिया सामने आते हैं तो इनका अंदाज कुछ अलग होता है। सुप्रिया श्रीनेत गौरव भाटिया के हाथ में एक बैंगन थमाते हैं तो गौरव भाटिया इनके हाथ में दो बैंगन थमा देते हैं। ये बैंगन का किस्सा चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में, जो हमने अपने फेवरेट कार्यक्रम हल्ला बोल से लिया है, जो आज तक प्रसारित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेन वीडियो। एक्शन। सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था, और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? नहीं। पौने चार मिनट का प्रवचन था, रिवाइंड करके जो बिल्कुल भाषा का यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा, और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़िए इस बात को। यहां पर बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। चांद तोड़ कर नहीं लाए, चांद पर चले गए। असलियत क्या है? चार नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी, पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी, और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका, और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ दो औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है, और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनको जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है, जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूते मैं बोल नहीं सकती हूँ एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूते थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका परिवार मेहुल चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया ये लोग कौन है? वो 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। संदेश खाली या बंगाल शब्द का प्रयोग नहीं किया आपने। सुप्रिया जी, आपने पूरा परिवार याद दिलाया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे। यही वो जगह है जब कलेजा इसलिए दहलता है क्योंकि अब रेप के इंसिडेंट को भी लोग राज, आपने नहीं किया? मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन आपने अभी नहीं बोला। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, आपने बोला नहीं। इस पर ट्वीट भी किया है, आपने अभी बोला नहीं।
मुझे नहीं ध्यान है कहीं पर भी हो, और मुझे ऐसा लगता है मुझे शर्म आती है, मेरी आंखें शर्म से डूब जाती है जब जिस देश की महिला आयोग की अध्यक्ष जो भी हुआ उसको राजनीति बनाती है, उसके ऊपर असंवेदनशीलता दिखाती है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की हो, जब भी गलत हुआ वो गलत था, चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, जब महिला के खिलाफ गलत होता है तो आधी आबादी के खिलाफ गलत होता है। फिर से बंगाल या संदेश खाली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए और मोदी जी चुप रह सकते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष के पहले हेमंत सोरेन या जब उनके आप उनके गैर हाजिरी में जो चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आता तो समझ में आता कि दायित्व जो है सरकार का उसी तरह से रखा जा रहा है। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर इस देश को फिर से सोचना होगा, खासतौर पर महिला अपराध, महिला अपराध। जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात कहिए। गौरव भाटिया, चलिए अब देखते हैं गौरव भाटिया मणिपुर बोलते हैं या नहीं। अंजना जी, जो महिला आयोग ने वक्तव्य दिया है गौरव भाटिया, देखिए देश में दिया होता तो वो सैक हो चुकी होती अपने पद से भी। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, झूठ झूठी रहता है। जो महिला प्रवक्ता अभी प्रवचन दे रही थी कि कैसे शब्दों की, आपकी आवाज नहीं जा रही सुप्रिया जी, रुक जाइए, इस तरह से और मधुर बनाए। मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, गंदी नाली का कीड़ा, तेरी औकात क्या है, ये सब तो आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रही थी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा महिलाओं की अस्मिता को लेकर संदेश खाली है। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा भी पश्चिम बंगाल गई थी, राहुल गांधी का एक वक्तव्य संदेश खाली को लेकर बताइए, और अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं तो कम से कम इतना आज बोल के जाइए इस चैनल पे कि आप टीएमसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। दूसरी बात, 2022 का एनसीआरबी का डेटा है, 6310 रेप की वारदात, एक भी बहुत ज्यादा है अंजना जी, लेकिन राजस्थान में हुई, 5 साल इनकी सरकार रही थी, आज तक पे चुनौती दे रहा हूं, एक आप ट्वीट दिखा दीजिए राहुल गांधी का एक कि राजस्थान में बलात्कार हुआ जब FIR नहीं रजिस्टर हो रही थी, मर्दों का प्रदेश कहा जा रहा था। देखिए आज ही का एक वक्तव्य है, वो मैं बताना चाहता हूं कि किसी शख्सियत की ताकत क्या होती है जब वो ईमानदार होता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको मालूम है उन्होंने रैली में क्या कहा, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम विकास के लिए गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या बात करता है यार। मैं बताता हूं ये ताकत कब आती है, जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, जब केंद्र की सरकार बिना भेदभाव के हर प्रदेश सरकार को सहयोग भी दे, धनराशि भी दे और विकास करवाए, और उसके बाद ही गुजरात मॉडल की बात आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है कि कोई विकास पुरुष है, विश्वसनीयता की कसौटी पे खरा उतरा है, हाँ। तो वो नरेंद्र मोदी जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, आत्महत्या 1,80,000 10 साल यूपीए का शासन किसानों ने करी। इन्होंने कहा एक नाम मैं बताती हूं, अंकिता भी एक नाम है, असम की कांग्रेस की इकाई की वो एक कार्यकर्ता थी, उसके साथ क्या हुआ, क्या किया राहुल गांधी ने, उस महिला अस्मिता का कुछ नहीं है। यही दोहरा चरित्र और गिरगिटान वाली प्रवृत्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है। सिर्फ छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे, अब 10 सेकंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर ना केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है, ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था, उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था तो यहाँ पर ठीक है। देखिए ना सुप्रिया जी, अगर आप लोगों के पुराने बयान अरविंद केजरीवाल के लिए निकाल के पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने भी सीट शेयरिंग दिल्ली में कर ली है, ये हाल तमाम राजनीतिक पार्टियों का है। जेब बात। अंजना जी देखिए ऐसा है, 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए तो विपक्ष क्या करे,
विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे, हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा, आप उनके परिवार के हैं या नहीं, मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं, केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं आपका परिवार है कि नहीं, ये पूछा जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और यहां पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका तो मैं बोल देती हूं, और यहां बोलना जरूरी है, अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में जो मेरी मां समान है यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी, कौन सी टिप्पणी, मैंने एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। मैंने जर्सी के सोनिया गांधी को कहा गया था क्या? राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी मैंने, उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही है जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने जवाब दे दिया उसका। गौरव जी धन्यवाद। कान खोल कर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी। ए भाई, कम से कम एक सीट दे देना राहुल गांधी को। राहुल गांधी अगर संसद नहीं पहुंचे फिर हम लोग का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? एक सीट बस। और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो, मणिपुर की बात करती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए, आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन दो आपके, सुनिए। आप जानिए, समझिए, मैं आपको बताऊं, ये आप क्या जानती नहीं है कि राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए? नहीं, सब मुद्दों पर अपना देश चल रहा है। दूसरी तरफ परिवार, जहां एक ओर लालू यादव अपना परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार बता रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। वैसे देश की रणनीति तो तैयार करना उनका काम है, लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक लाइक दंग कर दीजिएगा। धन्यवाद।